हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बी कॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑडिटिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। वेरिफिकेशन आपके बिजनेस बैलेंस शीट की होती है, वाउचिंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। सबसे बड़ा, दोनों देखने में तो एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों में दोनों सबसे बड़े अंतर होते हैं। वाउचिंग आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट करता है, या टोटल आपके बिजनेस पर पीएल पर इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका वेरिफिकेशन, आपके बिजनेस की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंतर्गत आपके बिजनेस में असेट्स एंड लाइबिलिटीज की टोटल वेरिफिकेशन, सत्यता, क्लियरिटी एग्जामिन की जाती है कि वह सही किया गया है या नहीं की गई है। इस संबंध में आप देख सकते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट आता है मीनिंग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन प्रोसेस सब्सटेंस वैलिडिटी ऑफ द असेट्स Liabilities appearing of the balance sheet, assets and liability appearing of the balance sheet, but vouching means check accuracy transaction of the account book in your business trading profit and loss account. Total यहां पर profit and loss account को effect करता है। Next of देखिए, आपके लिए आती है basic वेरिफिकेशन इज ए फिजिकल डॉक्यूमेंट्री एंड इविडेंस। वास्तव में वो असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिजिकल मूर्त रूप से वह संपत्ति दिखाई देनी चाहिए। उसके साथ इविडेंट्री, हमें उसके संबंध में इनवाइस, बिल, वाउचर चाहिए। बट वाउचिंग इन डॉक्यूमेंट्री इविडेंस, असेट्स है नहीं, डॉक्यूमेंट्स है तो हम उस पर वाउचर बना के हम उसे सिस्टमैटिक रूप से रख सकते हैं। कैरीड आउट, ले जाना, इसे कौन करता है? वेरिफिकेशन इन बाय ऑडिटर, इसकी कार्य की पूर्ति ऑडिटर, वो सीए भी हो सकता है, कैग के द्वारा ऑडिटर हो सकता है। बट वाउचिंग इन ऑफ द योर जूनियर क्लर्क, उसके लिए ऑडिटर होना मस्ट नहीं है, उसे अकाउंटिंग की जानकारी है तो वह व्यक्ति आपके यहां वाउचिंग का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट, टाइमिंग वेरिफिकेशन इन दी एनी टाइम ऑफ दी करंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कभी भी बिजनेस की वेरिफिकेशन, सत्यता की जांच की जा सकती है। बट वाउचिंग एंड ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर, जब आपका फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा तब आप ऑडिट के लिए उनका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके लिए ऑब्जेक्ट वेरिफिकेशन, कंफर्म ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर ऑफ दी आइटम। आपका उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति का वो संपत्ति है, पोजेशन, ओनरशिप उसका है कि नहीं, सत्यता की जांच कर। वाउचिंग एग्जामिन ऑफ दी करेक्टनेस, वैलिडिटी, कंप्लीटनेस ऑफ दी ट्रांजेक्शन, अमाउंट के संबंध में देखेगा कि वो वास्तव में किया गया है कि नहीं है। नेक्स्ट आप देखते हैं, वेरिफिकेशन और वाउचिंग एक ही बिजनेस के दो पहलू के रूप में आते हैं, दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम लोग समझते हैं कि दोनों एक ही। आपने डिफरेंस बिटवीन दी वेरिफिकेशन ऑफ दी वाउचिंग देखा, स्टार्ट टू एंड वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप अपने इस बी कॉम ई लर्निंग के इस चैप्टर, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑडिटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।